अस्सलामुअलैकुम जी, मैं सिकंदर बकरीबाज। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरा यार जिगर दादा और मैं बैरी भी है, साथ राजा भी है। हम लोग जा रहे हैं जनाब अभी गिरजा रोड पे बकरी लेने के लिए मलक जमील के घर से। तो वहाँ जाके आपको शो कराते हैं, रस्ते के मामला दिखाते हैं। टाइम हो रहा होगा तकरीबन रात को 12 बजे का, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ के मामला। अभी हम लोग पहुँचे हैं जी टेंच आखिरी स्टॉप, और लग गई शदीद बारिश, लाइट भी चली गई और ये इंजॉय करने लगे हैं अभी कबाब और बस जी। ये चटनी भी आ गई है, चटनी भी आ गई है और फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, बारिश की वजह से अंदर आए हैं। दुआ गो हैं कि दोबारा अच्छे लगें और दोबारा भी हम यहाँ पे खाने के लिए आए। तो कबाब है नुसरत फतेह अली खान साहब के, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जिगर दादा, खाना खा लिया हम लोगों ने और बारिश अभी भी वैसे ही चल रही है। कबाब बस सो थे और बकरी के मामला जो भी होते हैं। द जर्नी इज कंटिन्यू अगेन और आज आपको दिखाएंगे टेंच की रोड। ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है जिसमें हम गुजर के आए हैं। बारिश की कॉज बना नहीं सके, बारिश अभी भी तेज़ लगी हुई है और वो देखे कोई शौकीन जा रहा है बकरी का पट्टे लेके इस टाइम भी बाइक पे। तो बड़ा बड़ा शौकीन है बकरी का पिंडी शहर के अंदर भी। मैं और सैंडी आए हुए हैं अभी जी न्यारी खाने के लिए मजीद की। तो खाते हुए भी अजानें हो रही हैं, सुबह की अजानें हो रही हैं अभी और हम यहाँ न्यारी खाने के लिए आए हुए हैं। तो न्यारी इंजॉय करते हुए भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। उसके बाद मैं गोंदल आपको बकरियों का शौक करवाऊँगा आज इंशाल्लाह। तो टाइम हुआ जा रहा है अभी सुबह, क्या टाइम है सैंडी? 4:25, 5 मिनट रह गए इसकी शॉप। आप आवाम देख सकते हैं मजीद की न्यारी खाने के लिए, एक टॉप क्लास की जगह है मजीद की न्यारी। सैंडी और मैं नाश्ता करके आ चुके हैं जी लस्सी जी पे। अस्सलाम वालेकुम सैंडी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी सेहत है आपकी? लस्सी एंजॉय कर रहे हैं? आए हुए पिंडी तेरे रोले। और सेहत कैसी है मेरे भाई की? तो मैं जाऊँगा जी अभी गोंदल मंडी और सैंडी भाई उतारेंगे मुझे पीर बधाई मोड़, नहीं पिशावर मोड़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जाके गोंदल मंडी में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सैंडी भी बोलें कुछ। बस सिकंदर की जय हो। ऑन द वे टू गोंदल जी और वेदर ज़बरदस्त। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको गोंदल पहुंच के करवाते हैं बकरियों का शौक। ज़बरदस्त वेदर है जी, ये मारगला के हिल से सारे इंजॉय करें वेदर और सब कमाल बरी बना हुआ है आज तक। ये अगस्त है और आप देख सकते हैं ये स्पॉट है जी जहाँ तक सिकंदर आजम ने फतह किया था, द स्पॉट ऑफ माय नेम। अगलारी दे पंप ड्राइवर करें जी। माशाल्लाह गोंदल मंडी पहुँच गए हैं। ये सारा माल है जी आज मंडे का, ये मामे का माल है, इसकी भी डिटेल आपको देते हैं। ये जदुल्ला का माल है, बकरी चला के जरा ज़्यादा माशाल्लाह। छोटे साइज़ की बकरी है लेकिन बहुत अच्छी बकरी है। मैं छोटी बकरी लेता नहीं हूँ वरना इस बकरी को ज़रूर ख़रीदता। मंडी का मंडे वाले दिन लगती है जी गोंदल, यहाँ से आपको हर कैटेगरी का और हर क्वालिटी का और हर प्राइस का जानवर मिलेगा। 10,000 का भी मिलेगा और 1,00,000 का भी मिलेगा, 1.5 लाख का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। बच्चे देखें माशाल्लाह, बच्चों का शौक करें। तो बाकी आज के दुमिश में हम सेल करने के लिए आए हैं, वो आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। ओ फॉर द बेस्ट, अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। शाम को सुई है, नर बच्चा है इसके पीछे मक्की चीना, सेकंड टाइमर बकरी है। ये बकरी है साढ़ू वाली, बहुत बहुत नफीस बकरी है। कल इसके अभी खाली की है सुबह, बहुत नफीस बकरी है। इस तरह में साढ़ू बस राइट वाले में परचेजिंग है जी। ये
शौक करें। एक ये बकरी है, एक ये बकरी है, दो गबन बकरी है, एक ये बच्चे वाली है, एक गबन है। बाकी कुछ माल लाए थे जो थोड़ा सा माल वापस लेके जा रहे हैं, कुछ सेल कर दिए हैं बकरी। इंतहा की रश है मंडी में और गर्मी भी बेहतरीन है, जानवर ही जानवर है यहाँ पे। शौक करें माशाल्लाह जानवरों का, पूरी मंडी का व्यू लें, फुल रश है आज मंडी में। बैठे हुए सामने का मान जी, सेहत कैसी है, कैसी मंडी थी? तो बस ये है जी, सब मामला हमारे सारे आज शौक करें नई बकरियों का। एक बकरी बैठी है, ये सलमान, तीसरी बकरी ये आगे बैठी हुई है, ये माशाल्लाह गबन है बकरी जी। इस बकरी के पीछे एक बच्चा है, रेस्ट मार रही है, थकी हुई है मंडी की। एक ये बकरी, ये भी गबन है। तो बाकी जी शौक करें जानवरों का, गोंदल मंडी का विज़िट आज आपको करवाया, हम भी गए गोंदल मंडी, काफ़ी थक गए, अभी बस मैं सो के उठा हूँ, अभी कहीं जा रहा हूँ काम। बाकी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।